हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज की व्लॉग की शुरुआत कुछ ऐसे हो रही है कि शिल्पी के हाथों में फंस गई है अंगूठी जो उसने कल पहनी थी। अब वो रिंग निकल नहीं रही है। कल रात से अपन कोशिश कर रहे हैं कि कुछ कुछ करके वो निकल जाए। सब कुछ ट्राई करके देख लिया, हैंड वॉश ट्राई करके देख लिया, साबुन ट्राई करके देख लिया और ऑयल वगैरह ट्राई करके देख लिया, मॉइस्चराइजर ट्राई करके देख लिया, बॉडी लोशन ट्राई करके देख लिया, एवरीथिंग, मतलब कुछ भी नहीं वर्क कर रहा है। तो अभी एक ट्रिक और मिली है कि धागा डाल करके ऐसे वैसे फंसा करके कुछ निकालने का है। तो अभी शिल्पी नीचे चली गई है, वो धागे वागे वाला सिस्टम कर रही है, जाके देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है वहाँ पे। दिखाओ ये कैसे फंसी है। ये कुछ ज्यादा ही एकदम फंस चुकी है, एकदम ये पता चल रहा है साफ साफ की। देखो गंदी तरीके से फंसी है। तो इसमें तुमने क्या क्या ट्राई कर लिया बताओ जरा। सरसों का तेल, साबुन, क्रीम, मॉइस्चराइजर, अब धागे वाला टास्क चल रहा है। धागे वाला टास्क चल रहा है YouTube पे देख के, YouTube यूनिवर्सिटी। बट सीरियसली आई डोंट थिंक सो कि दिस विल आल्सो वर्क, दिस विल नॉट वर्क। स्वेलिंग भी आ गई ना एक्चुअली अंगूठी, मतलब फिंगर्स में, इस वजह से दिस विल नॉट वर्क। देखते हैं, YouTube पे एक वीडियो देख रहे हैं तो उससे कुछ हेल्प मिल जाती है तो मे बी इट विल वर्क। तो मत छेड़ो अब इसको, दर्द हो रहा है ज्यादा है, लाल भी हो रही है, दर्द हो जाएगा ज्यादा और प्रॉब्लम हो जाएगी, मत करो इसको। कट जाएगी, नो प्रॉब्लम, बोला है ना कट जाएगी। खराब भी तो हो जाएगी। तो हो जाए तो खराब, क्या दिक्कत है, उंगली से बढ़ के थोड़ी है वो। उंगली कटवा लेते हैं। नहीं, उंगली से बढ़ के नहीं है भैया रिंग। एक तो ये जो इसके ये है ना, ये चुभ रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ, जो इसमें डिजाइन भी बनी हुई है ना, वो थोड़ी सी आप देखो कि देखो एजेस हैं, कट्स हैं उसमें ना थोड़े थोड़े, तो और लग रहा है कि चुभ रही है। देखो लाल भी हो गई उंगली, उधर से ज्यादा फंस गई, पता नहीं ऐसे कैसे फंस गई, जब इतनी टाइट थी तो ये गई कैसे। लेट्स रिकलेक्ट द थिंग्स। उस टाइम जब पहनी थी हाथ गीला था और वो ऐसे ऐसे करती चली गई अपने आप, और मैं अब वो टाइट लग रही है, ऊपर ही नहीं हो रही, या तो हमने ज्यादा जबरदस्ती कर दी तो वो स्वेलिंग हो गई है, तो वो ऊपर ही नहीं हो रही है, अब दिक्कत ही है। प्रॉब्लम वही है मेरे ख्याल से अभी, लेकिन वही है ना, स्वेलिंग होने का अभी पहनने में भी दिक्कत कर रही है, पहले इतनी दिक्कत नहीं हो रही थी। जाने दो, कोई नहीं वो कटेगी। तो फिलहाल तो नाश्ता वास्ता करके बैठे हुए हैं, कल का व्लॉग रेडी हो चुका है, बस अब अपलोड करना बाकी है। ऋषि को कॉल किया, उसने फोन उठाया नहीं, मे बी वो बिजी हो कहीं पे, ऑक्यूपाइड हो, इस वजह से उसने कॉल नहीं उठाई। जैसे ही वो कॉल उठाता है उसके घर जाते हैं, व्लॉग अपलोड करते हैं। मैंने YouTube पे फिर से वही वीडियो देखा थ्रेड वाला, कि थ्रेड की मदद से कैसे निकालते हैं, और फिर मैंने अभी इसका ये थ्रेड पूरा बांधा ताकि अब हम इसकी अंगूठी को स्लाइड करेंगे इस थ्रेड के ऊपर और वो स्लाइड होके बाहर आ जाएगी। तो लेट्स गिव इट अ ट्राई शिल्पी। थ्रेड तो मैंने पूरी तरीके से बांध दिया है, अब देखते हैं कि बाहर आती है कि नहीं। पहले मैं कैमरे को कहीं पे फिक्स कर देता हूँ, फिर ये करने की कोशिश करते हैं। कोशिश करो इसको इस पे चढ़ाओ, चढ़ेगी अंगूठी को, ट्राई करो इस धागे पे चढ़ाओ। रुक जा, मैं इधर से करूँ। दर्द हो रहा है? नहीं, ये धागे पे तो नहीं चढ़ रही, आगे से चढ़ गई है, घुमा के चढ़ा है, नहीं होगी, दिस विल नॉट वर्क। दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, नीचे से चढ़ी, चढ़ेगी इसके ऊपर, चढ़ेगी तभी निकलेगी। नॉट वर्किंग, फेलियर। रुको, मैं बताऊंगा अभी, ये इसको इसके नीचे ले जाओ, करो तुम भी करते रहो, ये नहीं होगी, फालतू में मत वो करो, ये कटेगी डायरेक्ट। और पापा फालतू में ही कह रहे हैं कि घर पे काट लेंगे, कैसे काट लेंगे, औजार होता है काटने वाला, कई चीज थोड़े कटती है। चलो, दिस अटेम्प्ट वाज अ कंप्लीट फेलियर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, पापा कुछ औजार लेके आ गए हैं, देखते हैं कि इससे कटता है कि नहीं। दबू नहीं रहा मास्क, नहीं सही है, मास्क नहीं दब रहा, कट गई, नहीं दबी है, सिर्फ कटी नहीं लग रही है, वो पीछे से, हाँ वो पीछे से चुभ रहा है, ऐसे इससे नहीं लग रही। वो देखो ना, दबाओ उसको, रुक जा, वो गलत हो गया, रुको मैं बताऊँ। देखो आप समझ रहे हो ना, वो अब अंदर घुस रहा है इसलिए चुभ रहा है, कट गई बाबा। हाँ, लग रही होगी थोड़ा सा। बोल रहा था कि आप काट नहीं पाओगे, आप लेते जाओ। दर्द हो रहा है थोड़ा तो, हो रहा है। पापा रहे, कट गई। वो पीछे जो है, हाँ आप पहले थोड़ा फैलाओ, उधर से भी आप लिबड़ा अपने से, पहले फैलाओ तब निकालो बेटा, थोड़ा सा उंगली ऐसे ऐसे, थोड़ा सा और फैलाओ, अब फैला दो उसके चक्कर में। देखो कि घुसी थी कि नहीं घुसी थी, तो अभी भी वो अभी हुई है, थोड़ा सा बेटा, वो दबाने को उठाया ना हमने पीछे, तब तो देखें। चलो
तो ये सक्सेस वो क्रीम व्रीम लगाने से सही हो जाए। कोई बात नहीं, उसमें टेंशन ना लो ज्यादा। चलो तो सक्सेसफुली ये अंगूठी निकल गई, दिखाओ जरा अंगूठी कैसे कटी है, दिखाओ इसको बता दे, बना रहे हो और क्या। ठीक है कट गई तो सही है, बट अभी फ्री लग रहा होगा राइट। हां फ्री लग रहा है। मम्मी अभी बता रही थी कि जो कपड़े धोने वाली आती है वो कैसे कपड़ा धोती है, कितनी इफेक्टिवली कपड़ा धोती है, कैसे धोती है मम्मी एक बार और बताओ, कितनी तेजी से वो काम करती है ये बताओ। नहीं बता चुके हम, एक बार फिर से बता दूं। अब नहीं बताना। मम्मी कह रही है वो एक घंटे के काम को 15 मिनट में करके भाग जाती है। ऐसे ही होती है, सभी होती है। नीतू को देख लो यार, नीतू के अरे नीतू तो जो स्पीड में झाड़ू और पोछा लगा के भागती है भाई साहब की क्या बताए, घर का ये पूरे घर का, घर में घुसती नहीं है, घुसते ही ये लोग ऐसे नहीं, नहीं ड्यूटी शुरू, एक सेकंड रुक नहीं सकती। हाँ। वो आई झाड़ू कर के आज ही कहते रहे कि वो घुस के स्टोर रूम से झाड़ू निकाल, वो भी ऐसे ही करती है। और आती मुझे है, बोलना पड़ता है उसको, नीतू दीदी पोछा लगा रही हो तो पंखा ऑन कर दो। मुझे कभी कभी कहना पड़ता है एक मिनट रुक जाओ, मैं कोई पायदान झाड़ लूं, रुक जाओ। हम भी कहते हैं एक मिनट रुक जाओ, पायदान झाड़ दे जरा। हाँ उनको मतलब नहीं है, वो वहाँ रखा हुआ है उसके अगल बगल से लगा के चली जाएंगी, उठा के भी नहीं लगाएगी। आने के पहले ही सब सामान जो हटाने का रहता है हटा देते, फिर भी बाय चांस कभी लेट हो गई और वो आ गई पहले। भैया अभी थोड़ी देर पहले फ्री हुए, ये हुआ चलो एक राउंड सिविल लाइंस का मार के आते हैं, एक दो कुछ सामान लेने थे वो खरीद लेते हैं। वैसे भी अपनी कल की ट्रेन है वापसी की, तो कल तो कहीं जा नहीं पाएंगे, तो मैंने कहा चलो आज ही एक राउंड घूम के आते हैं, कुछ सामान वामान लेना है ले लेते हैं। हो सकता है गौरव के यहाँ भी जाएं, अभी उसे कॉल करते हैं, गाड़ी में बैठ के कॉल करेंगे उसे। चलिए मैडम हो गया श्रृंगार। अरे वाह क्या लग रही है माशाल्लाह। चले अब चलो जी, चलो चलो चलो, पेट्रोल हो गया सस्ता तो आज कराते हैं टंकी पुल। We have come here at Family Mart, 11 Family Mart. We last time Gaurav लोग के साथ भी इधर ही आए थे सामान लेने। ये दुकान इतनी ज़्यादा पसंद आ गई कि बार बार यहीं पे आ रहे हैं। Today we are here at Quality Ice Cream Parlor. शिल्पी सेट की उसको ice cream खाने का मन है तो ice सेट की चलो। यहाँ लेके चलते हैं, थोड़ा शांत माहौल भी मिल जाएगा। और कौन सी ब्लैक करंट है, मिक्स करके बना दोगे? एक ब्लैक करंट और स्ट्रॉबेरी है। तो आप ऐसा करिए ब्लैक करंट और पाइनएप्पल लगा दीजिए। एक में करना है भैया ये दोनों मिक्सअप, एक स्कूप वो एक स्कूप वो राइट ना। हाँ वही 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 चीज। और एनीथिंग एल्स? स्ट्रॉबेरी होती तो मजा। हाँ स्ट्रॉबेरी नहीं है, स्ट्रॉबेरी नहीं है, दैट इज़ अ शॉकिंग थिंग। कोई बात नहीं, जो है वही खाएंगे आज। तो हेलो जी, वेलकम बैक, घर आ गए। डिनर हमने घर पे ही किया, बाहर बस ऐसे आइसक्रीम वाइसक्रीम खाया, थोड़ा बहुत टहला इधर उधर, गलियां नापी, रास्ते नापी, इलाहाबाद की सड़कें नापी, कुछ कुछ एक दो प्राइम लोकेशंस थी वो दिखाई मैडम को, बस दैट्स इट। उसके बाद घर आ गए, डिनर किया और अभी आ गए अपने रूम में। मैडम ने आज बनाए थे छोले, मजा आ गया इतने दिनों बाद स्पाइसी खाना खा के। सीरियसली अभी फिलहाल आ रही है बहुत ज्यादा नींद और इस व्लॉग को करते हैं एंड। तो यहाँ तक वीडियो को देखा हो तो प्लीज सब लोग लाइक जरूर कर देना यार, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को। ओके मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, लिव टुडे एंड लव टुमारो, बाय।